लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब समीक्षा का दौर जारी है। इसी बीच यूपी की राजधानी लखनऊ में भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस दूसरे दलों के समर्थन से चुनाव जीतती है। कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान विरोध करने वालों को खत्म करने की कोशिश की। कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस ने कभी किसी का भला नहीं किया। कांग्रेस चुनी हुई सरकार को गिराने और दूसरी पार्टियों को रसातल में पहुंचाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया, उनका सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन करने का काम किया है। डॉक्टर लोहिया को आदर्श मानने वाली पार्टी विशुद्ध रूप से परिवार की पार्टी बन गई है। लोहिया जी की आत्मा स्वर्ग से विलाप कर रही होगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सावधान करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश, कांग्रेस से सावधान रहें, आपके वोट बैंक पर कांग्रेस की नज़र है। कांग्रेस को भस्मासुर बताते हुए चौधरी ने कहा कि सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की नज़र है। वहीं इस दौरान उन्होंने भाजपा की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा पर अडिग है। बाबा साहेब के सम्मान में हमारी सरकार ने संविधान दिवस मनाने का काम किया। केंद्र की हमारी सरकार सभी राज्यों के लिए मिलकर काम करती है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सभी धर्म के लोगों के हित में काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के लोगों को सजग करना चाहता हूं कि हमें मजबूती के साथ खड़ा होना है। हमने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो काम किए हैं उन्हें और सजगता से जनता के बीच पहुंचाना है। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भूपेंद्र चौधरी की नसीहत का जवाब देते हुए कहा कि आज़ादी के पहले से जिनका इतिहास अपनों को धोखा देने का रहा हो, उनके मुंह से किसी के संबंधों के भविष्य के बारे में बातें अच्छी नहीं लगती। नकारात्मक लोग नकारात्मक ही सोचेंगे। इंडिया सकारात्मक है, सकारात्मक ही रहेगा। सपा प्रमुख ने ये बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कही है।